ये देखो जलियांवाला बाग, ये देखो जलियांवाला बाग, यहाँ चली थी गोलियाँ। ये देखो जलियांवाला बाग, यहाँ चली थी गोलियाँ। मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियाँ, मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियाँ। मरने वाले बोल रहे थे, मरने वाले बोल रहे थे, इनकलाब की बोलियाँ यहाँ लगा दी भाई बहनों ने, यहाँ लगा दी भाई बहनों ने। बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। जय हिंद। मैं कैडेट सुखमनी कौर फ्रॉम स्कूल ऑफ फेमिनेंस शहराटा की छात्रा आज आप सभी के सामने जलियांवाला बाग हत्याकांड स्मृति दिन 13 अप्रैल पर बोलने जा रही हूँ। ये हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाले बाग में हुआ। ये हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी वाले दिन हुआ। रोल्ट एक्ट का विरोध करने के लिए इस दिन जलियांवाले बाग में एक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने अकारण उस सभा में उपस्थित बीट पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 1000 से अधिक लोग मारे गए और 2000 से अधिक लोग घायल हुए। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 448 शहीदों की सूची है, जबकि जलियांवाले बाग में 388 शहीदों की सूची है। ब्रिटिश साम्राज्य 200 शहीदों के घायल होने और 379 लोगों के शहीद होने की बात को स्वीकार करते हैं, जिसमें से 337 पुरुष, 41 नाबालिग लड़के और एक 6 सप्ताह का बच्चा था। 1997 में ब्रिटिश साम्राज्य की रानी एलिजाबेथ भी इस मार्ग पर आए थे, उन्होंने यहाँ के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। 2013 में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रधानमंत्री डेविड कॉमरन भी इस मार्ग पर आए थे, उन्होंने कहा कि ये घटना ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे शर्मनाक घटना है। 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी का दिन था। वैसाखी वैसे तो पूरे पंजाब में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन पंजाब और हरियाणा के किसान विशेषकर अपनी सर्दियों की रबी फसल को काट लेने के बाद नए साल की खुशियों के रूप में इस दिन को मनाते हैं। इसी दिन कहा जाता है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की साजना की थी, जिसे सिख सामूहिक जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। ब्रिटिश की मंशा पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 में हुआ, जिसमें भारतीय नेताओं और भारतीय जनता ने ब्रिटिश का आगे बढ़कर सहयोग किया। इस युद्ध में 43,000 से अधिक भारतीय मारे गए। युद्ध खत्म होने के बाद भारतीय जनता और भारतीय नेता ब्रिटिश सरकार से सहयोग की मांग कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश का फैसला इसके बिल्कुल विपरीत था। दूसरी ओर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत में आ गए थे, उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वह रोल्ट एक्ट का विरोध कर रहे थे, इसे दबलने कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया और उन्हें सजा देनी शुरू की। दूसरी ओर भारत के दो प्रमुख नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और सफुसिंह किचलू को गिरफ्तार कर काला पानी की सजा दे दी गई। भारतीय जनता 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर के उप कमिश्नर के घर आए और उन्होंने इन नेताओं की रिहाई की मांग पेश की, लेकिन शांतपूर्वक रिहाई की मांग पेश कर रही जनता पर ब्रिटिश सरकार ने गोलियां चला दी, जिसमें कई लोग मारे गए, जिसके कारण भारतीय जनता का प्रतिशोध बढ़ गया। उन्होंने रेलवे स्टेशन, टाउन हॉल, सरकारी बैंकों पर आग लगानी शुरू कर दी। सरकार ने इसे रोकने के लिए शहर में मार्शल लॉ लागू कर दिया। 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी का दिन था। अमृतसर के श्री दरबार साहिब में ये मेला बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। दूर दूर से लोग ये मेला देखने आए, वो अपने परिवार के साथ ये मेला देखने आए। उसी दिन जलियांवाले बाग में एक सभा रखी गई थी, जिसमें वक्त वक्त नेताएं उस सभा में भाषण देने वाले थे। जब
मेला देखने आए लोगों को इस सभा के बारे में पता चला तो वे ये सभा के स्थान पर पहुंच गए। तब ये जलियांवाला बाग एक खुला मैदान था जिसके चारों ओर मकान थे। उसके अंदर जाने के लिए केवल एकमात्र रास्ता था जो जनरल डायर ने चारों ओर से घेर लिया। जब एक नेता रोड़ियों के ढेर पर चढ़कर भाषण दे रहे थे तो उन्होंने जनरल डायर को देखा तो उन्होंने भारतीय जनता को शांत पूर्वक बैठे रहने की मांग की, लेकिन जनरल डायर ने वहाँ की भीड़ पर गोलियां चलवा दी। उसने 10 मिनट में 1,650 राउंड गोलियां चलवाई। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां मौजूद एक कुएं में कूद गए। देखते ही देखते वह कुआं भी लाशों से भर गया। कहा जाता है कि 120 शव तो उस कुएं से ही मिले। वहां पर घायल हुए लोगों को कहीं शहर में कर्फ्यू लगे के होने की वजह से कहीं लेकर जाया ना जा सका तो उन्होंने वहां ही तड़फ तड़फ कर अपने दम तोड़ दिए। जब ये हत्याकांड जलियांवाला बाग में हुआ तब उधम सिंह भी वहीं मौजूद थे। उनको भी एक गोली लगी थी। उन्होंने जलियांवाला बाग की मिट्टी को हाथ में लेकर कसम खाई कि जब तक वे जनरल डायर को सबक नहीं सिखाते तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। 13 मार्च 1940 को शहीद उधम सिंह ने लंदन जाकर माइकल ओ'डायर को मारा और 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई। जब भगत सिंह 12 वर्ष के थे तब उन्हें भी इस हत्याकांड का पता चला। वे अपने स्कूल से 12 मील दूर पैदल चलकर इस मार्ग पर आए। हमारे देश को सदियों से ही पहले मुगल और फिर अंग्रेजों द्वारा गुलाम बनाकर रखा गया। हमारे संस्कृति को नष्ट करने का प्रयत्न किया गया, हमारे देश को लूटने का प्रयत्न किया गया, लेकिन हमारे देश के वीर हिंदुस्तानियों ने इनके साथ लोहा लिया। उन्होंने अपने प्राणों की बलिदान दिया। हमारे शहीदों के इस बलिदान का क्या हम उपयोग कर रहे हैं? क्या जिस आज़ादी की ओर हमारे शहीद जाना चाहते थे क्या हम आज उसी मार्ग पर जा रहे हैं? क्या तिथि के अनुसार शहीदों को श्रद्धांजलि देना ही काफ़ी है? आओ अपने शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दें अपनी संस्कृति को संभालते हुए। जय हिंद, जय भारत।